हे गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, दैट इज रैशनल नंबर। और इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। हम क्विकली इनका रिकैप कर लेते हैं। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देन होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देन इंटीजर्स, जितने भी हमारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, लाइक -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देन आता है हमारा रैशनल नंबर। हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी एंड क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ P और Q इंटीजर्स होते हैं, बट Q शुड नॉट बी जीरो और Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। लाइक 2/5, सो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा, एंड -2/5 ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। लाइक अगर मैं लिख दूँ 2/0, सो इट इज नॉट डिफाइंड। सो हमारा क्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की चार प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ वन बाय वन हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। कमिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी शोज दैट द ऑपरेशन ऑफ एनी सेम टाइप्स ऑफ नंबर इज ऑल्सो द सेम टाइप और नॉट। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम किसी दो नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें तो क्या हमारा नंबर सेम आएगा या नहीं आएगा। रैशनल नंबर्स ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये बोलती है कि अगर मैं कोई दो रैशनल नंबर को ऐड करती हूँ तो जो मेरा आंसर है वो भी रैशनल नंबर आएगा। लाइक मैंने दो रैशनल नंबर लिए, 2/5 + 3/4, सो 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20, देन 5 4 = 20, 4 × 2 = 8 + 4 5 = 20, 5 × 3 = 15, सो 15 + 8 दैट इज 23/20। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में क्लोज्ड है। अगर मैं किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करूंगी तो जो मेरा आंसर है वो भी रैशनल नंबर आएगा। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट में देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में ये कहा गया है कि अगर मैं किसी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा जो आंसर होगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। लाइक मैंने ले लिया 2/5 - 3/4, देन हमने एलसीएम लिया तो 20 आया, देन यहाँ पे 8 आ गया एंड यहाँ पे -15 आ गया। सो 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -7/20। सो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड है। अगर मैं किसी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो जो मेरा आंसर है वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। देन कमिंग टू मल्टीप्लीकेशन, दो रैशनल नंबर ले लेती हूँ 2/5 × 3/4, सो 2 × 3 = 6 एंड 5 = 4 = 20,
दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोज्ड है, क्योंकि जब मैं किसी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर भी रैशनल नंबर ही आ रहा है. देन कमिंग टू डिवीजन, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि आप a डिवाइडेड बाय b करेंगे तो ज़रूरी नहीं है ये रैशनल नंबर ही आए. लाइक आपने a डिवाइडेड बाय 0 कर दिया, सो इट इज़ नॉट डिफाइंड. दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शोज दैट द पोजिशन ऑफ नंबर डज नॉट मैटर. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करती है कि अगर हम नंबर्स की स्वैपिंग कर देंगे तो जो उसका रिजल्ट है वो सेम आएगा. ये हम करके देखते हैं एडिशन में. सो हमने कोई दो रैशनल नंबर ले लिए. एडिशन में क्या होता है, अगर मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस a करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. लाइक मैंने लिया -2/7 प्लस 6/11, सो इसको मैं सॉल्व कर लूँगी तो क्या आ जाएगा, 77 -22 प्लस 42, दैट मीन्स 20/77. सेम यहाँ पे मैं बी रख लेती हूँ 6/11 और यहाँ पे ए क्या था मेरा, -2/7. नाउ इसको सॉल्व करते हैं, 6/11 प्लस माइनस माइनस 2/7. 11 और 7 का एलसीएम लूँगी तो आ जाएगा 77. 11 की टेबल में 77 7 टाइम्स में आता है, सो 7 × 6 = 42. देन माइनस 7 की टेबल में 77 11 टाइम्स में आता है, सो 11 × 2 = 22. देन 42 − 22 = 20/77. दैट मीन्स अगर मैं a प्लस बी लिखूं या b प्लस a लिखूं तो मेरा आंसर सेम आएगा. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में कॉम्यूटेटिव है. नाउ हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं. सब्ट्रैक्शन में अगर मैं a माइनस बी करूं या b माइनस a करूं तो क्या मेरा आंसर सेम आएगा, सो हम करके देख लेते हैं. यहाँ पे मैं दो रैशनल नंबर ले लेती हूँ, 3/7 and 8/5. सो 3/7 − 8/5. 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 35. 7 के टेबल में 35 फाइव टाइम्स में आता है, सो 5 × 3 = 15. माइनस 5 के टेबल में 35 7 टाइम्स में आता है, सो 7 × 8 = 56. सो यहाँ आ जाएगा −41/35. नाउ हम राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करते हैं. 8/5 − 3/7. सो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 35. और 5 के टेबल में 35 7 टाइम्स में आता है, 7 × 8 आ जाएगा 56. माइनस 7 × 5 = 35 and 5 × 3 = 15. दैट मीन्स 41/35. ये −41/35 है और ये +41/35 है, दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है. सो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव नहीं होती है. नाउ हम मल्टीप्लीकेशन में करके देखते हैं. सो a × b = b×a. सो a है हमारा 3/7 और b है हमारा 8/5. सो 3 × 8 = 24 and 7 × 5 = 35. b है हमारा 8/5 और a है हमारा 3/7. सो 8 × 3 = 24 and 5 × 7 = 35. दैट मीन्स जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव है. नाउ कमिंग टू डिवीजन. डिवीजन में बोला गया है कि अगर मैं a डिवाइडेड बाय b करूं या b डिवाइडेड बाय a करूं
तो क्या मेरा आंसर सेम आएगा? चलिए करके देखते हैं। 3/7 डिवाइडेड 8/5, सो 3/7 इंटू 5/8, 3 5s are 15 एंड 7 8s are 56। बी है हमारा 8/5 डिवाइडेड 3/7, सो 8/5 इंटू 7/3, नाउ 8 7s are 56 एंड 5 3s are 15। दैट मीन्स जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में कॉम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ 15/56 आ रहा है और यहाँ 56/15 आ रहा है। देन थर्ड है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शोज दैट द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स डज नॉट मैटर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करती है कि जो नंबर्स की ग्रुपिंग है वो मैटर नहीं करती है। दैट मीन्स कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी करें या ए प्लस बी प्लस सी करें तो जो हमारा आंसर है वो सेम आएगा। सो हम रैशनल नंबर्स में देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एडिशन, लाइक हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, दैट इज लाइक 4/5 प्लस 2/3 प्लस 3/2। सो हियर 4/5 प्लस 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। देन 3 2s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 into 3 equals 2 9, 4/5 प्लस 9 और 4 हो जाएंगे 13 अपॉन 6। देन 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। 5 के टेबल में 36 टाइम्स में आता है, 6 4s are 24 प्लस 6 के टेबल में 35 टाइम्स में आता है, सो 5 into 13 दैट इज 65। सो 24 और 65 हो जाएंगे 89 अपॉन 30। नाउ राइट हैंड साइड को ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। सो हमारा ए है 4/5 प्लस 2/3 प्लस 3/2, सो 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में आता है, सो 3 into 4 12 एंड 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है, सो 5 into 2 equals to 10 प्लस 3/2। सो हियर 12 plus 10 equals to 22 अपॉन 15 प्लस 3/2। नाउ 15 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30। देन 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स में आता है, सो 2 into 22 equals to 44 प्लस 2 के टेबल में 30 15 टाइम्स में आता है, सो 15 into 3 equals to 45। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 89 आएगा, दैट मीन्स 89/30। सो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो रैशनल नंबर में भी एसोसिएटिव रहती है। नाउ कमिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, इक्वल होते हैं या नहीं होते रैशनल नंबर्स में ये हम देखते हैं। सो ए है हमारा 4/5 माइनस 2/3 माइनस 3/2, सो 4/5 माइनस 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, सो 2 into 2 आ जाएगा 4 माइनस 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, सो 3 into 3 आ जाएगा 9।
देन 4/5 माइनस, 4 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे माइनस 5 अपॉन 6. सो 4/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दैट मीन्स 5 अपॉन 6. नाउ 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30. 5 के टेबल में 30 6 टाइम्स में आता है, सो 6 इंटू 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 24, प्लस 6 के टेबल में 35 टाइम्स में आता है, सो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25. नाउ 24 और 25 हो जाएंगे 49 अपॉन 30. देन हम RHS को सॉल्व करते हैं, 4/5 माइनस 2/3 माइनस 3/2. सो 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15. 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में आता है, सो 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12. 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है, सो 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 माइनस 3/2. 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेंगे अपॉन 15 माइनस 3/2. 15 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30. देन 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स में आता है, सो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 के टेबल में 30 15 टाइम्स में आता है, सो 15 इंटू 3 इक्वल्स टू 45. सो माइनस 45 में से 4 जाएगा तो बचेंगे माइनस 41 अपॉन 30. यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं है. नाउ कमिंग टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, अगर हम a इंटू बी करें एंड इंटू सी करें, और a इंटू बी इंटू सी करें, सो हम इसमें देखते हैं कि क्या जो रैशनल नंबर्स हैं वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव हैं या नहीं. सो a है हमारा 4/5, b है हमारा 2/3 एंड c है हमारा 3/2. सो 4 टू ज़ा 8, 5 थ्री ज़ा 15 इंटू 3 अपॉन 2, 8 थ्री ज़ा 24, 5 टू ज़ा 30. नाउ हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेते हैं, 6 फोर ज़ा 24 एंड 6 फाइव ज़ा 30, दैट मीन्स 4/5. नाउ टेकिंग RHS, 4/5 इंटू 2/3 इंटू 3/2, सो 4/5 इंटू 2 थ्री ज़ा 6 एंड 3 टू ज़ा 6, 6 वन ज़ा 6 एंड 6 वन ज़ा 6, दैट मीन्स 4/5. सो यहाँ पे हमारा LHS और RHS इक्वल है, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एसोसिएट करती है रैशनल नंबर्स में. नाउ कमिंग टू डिवीजन. डिवीजन सेज कि अगर मैं a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c करूं या a डिवाइडेड बाय b डिवाइड c करूं, तो जो मेरा आंसर है वो सेम आएगा. a है हमारा 4/5 डिवाइड 2/3 डिवाइडेड 3/2. नाउ 4/5 डिवाइड 2/3, और डिवाइड को हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो जो ये वाला नंबर होता है वो रेसिप्रोकल होता है, इंटू 2/3. सो 4/5 डिवाइड 2 टू ज़ा 4, 3 थ्री ज़ा 9. नाउ 4/5 इंटू 9/4, सो 9 फोर ज़ा 36 एंड 5 फोर ज़ा 20.
Now taking RHS 4/5 divided 2/3 divided 3/2. So 4/5 into 3/2 divided 3/2. 4 3s are 12, 5 2s are 10 divided 3/2. Now 12/10 into 2/3. So 12 2s are 24 and 10 3s are 30. That means हमारा LHS और RHS सेम नहीं है. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स के ऑपरेशन में एसोसिएटिव नहीं है. कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की टू स्टेट्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. So what does distribute means? Distribute means to divide. Distributive property of multiplication over addition says कि अगर हम दो नंबर को add करके multiply करते हैं या उन दोनों का अलग अलग multiply करते हैं तो हमारा answer जो है वो same आएगा. Like हमारे पास three rational numbers हैं, that is A, B and C. So A, B plus C. देखिए जब भी ब्रैकेट लगा रहता है तो हमें क्या करना रहता है, A का B में भी मल्टीप्लीकेशन होता है और A का C में भी मल्टीप्लीकेशन होता है. हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि A का B में भी मल्टीप्लीकेशन होगा और A का C में भी मल्टीप्लीकेशन होगा. दैट मीन्स A इंटू B इक्वल्स टू ए बी एंड A इंटू C इक्वल्स टू ए सी. इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. लाइक ए आपका 2 है और बी आपका 4 है और सी आपका 5 है. सो 2 का 4 में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का 5 में भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 4s are क्या हो जाएगा 8 एंड 2 5s are 10, दैट मींस 18. और सेकंड मेथड ये है कि हम 2 4 + 5 इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 4 और 5 को ऐड कर लें, दैट इज 9. 2 9s होता है 18. सो बोथ आर करेक्ट. नाउ हम रैशनल नंबर ले लेते हैं. ए इज 2/3, बी इज 1/2 एंड सी इज 1/4. नाउ ए 2/3, बी है हमारा 1/2 एंड सी है हमारा 1/4. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इस वाले नंबर में भी मल्टीप्लाई होगा. सो हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, देन प्लस 2 × 1 = 2 एंड 3 × 4 = 12. नाउ एलसीएम ले लेते हैं. 6 और 12 का LCM 12 आ जाएगा. 6 के टेबल में 12 टू टाइम्स में आता है, सो 2 × 2 = 4 प्लस 12 के टेबल में 12 वन टाइम्स में आता है, सो 1 × 2 = 2. दैट मीन्स 6/12, 6 1s are 6, 6 2s are 12. सो हमारा आंसर क्या आया, 1/2. नाउ अब हम इसको इस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं. सो ए है हमारा 2/3 और बी है हमारा 1/2. नाउ ए है हमारा 2/3 और सी है हमारा 1/4. नाउ 2 1s are 2, 3 2s are 6 प्लस 2 1s are 2, 3 4s are 12. देन 6 और 12 का LCM लेंगे तो 12 आ जाएगा और 6 के टेबल में 12 टू टाइम्स में आता है, सो 2 × 2 = 4 प्लस 12 के टेबल में 12 वन टाइम में आता है, 1 × 2 = 2. 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, दैट मीन्स 6/12, 6 1s are 6,
सिक्स टू जो 12, सो यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है 1/2, दैट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में एप्लीकेबल है. नाउ कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, लेट अस कंसिडर थ्री रैशनल नंबर्स, दैट इज ए बी एंड सी. ए बी माइनस सी, सो ये क्या हो जाएगा, ए का बी में भी मल्टीप्लाई होगा और ए का सी में भी, दैट मीन्स ए बी माइनस ए सी. नाउ हम ए को 1/2 मान लेते हैं, बी को 1/4 एंड सी को 1/3. सो ए इक्वल्स टू 1/2, बी इक्वल्स टू 1/4 एंड सी इक्वल्स टू 1/3. सो 1/2 का 1/4 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो आ जाएगा 1/8 माइनस 1/2 का 1/3 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो आ जाएगा 1/6. नाउ 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24. 8 के टेबल में 24 थ्री टाइम्स में आता है, सो 3 × 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 6 के टेबल में 24 फोर टाइम्स में आता है, सो 4 × 1 इक्वल्स टू 4. नाउ 3 माइनस 4/24 तो हमारा आ जाएगा माइनस 1/24. नाउ हम ये वाला मेथड ले लेते हैं, दैट इज 1/2 × 1/4 माइनस 1/2 × 1/3. सो 1 × 1 = 1 एंड 2 × 4 = 8 माइनस 1 × 1 = 1, 2 × 3 = 6. सो 8 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 24. 8 के टेबल में 24 थ्री टाइम्स में आता है, सो 3 × 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 6 के टेबल में 24 फोर टाइम्स में आता है, सो 4 × 1 इक्वल्स टू 4. 3 − 4 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 देन अपॉन 24. सो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो आपका यहीं पे आ गया. नाउ कमिंग टू एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर. सो एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है, कि अगर हम ए में 0 प्लस करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा ए ही आएगा. लाइक ए है आपका 3 एंड आप 3 प्लस 0 करेंगे तो हमारा आंसर 3 ही आएगा. ए को आप रैशनल नंबर भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं और होल नंबर भी ले सकते हैं. नाउ कमिंग टू मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर. दैट मीन्स अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 में मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर है वो रैशनल नंबर ही आएगा. आपने एक रैशनल नंबर लिया 4/3, सो 4/3 का अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो भी 4/3 ही आएगा. सो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी सेज दैट मल्टीप्लाइंग एनी रैशनल नंबर बाय 1, सो द रिजल्ट डजंट चेंज. लाइक हमने नेगेटिव रैशनल नंबर ले लिया −2/7, सो हम इसका 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर होगा वो −2/7 ही आएगा. दैट मीन्स मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलती है कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे सो जो आंसर है वो हमारा सेम रैशनल नंबर ही आएगा. नाउ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मींस क्या होता है, नेगेटिव. जैसे हमने कोई इंटीजर ले लिया 2, सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा −2, और हमारा नंबर है −2 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 2. नेगेटिव ऑफ एडिटिव इनवर्स सेज कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो जो हमारा रिजल्ट है वो 0 आए.
लाइक हमारे पास नंबर है 2, सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2, दैट मीन्स +2। सो हमें चेक करना है इसका रिजल्ट 0 आएगा, दैट इज 2 प्लस माइनस इक्वल्स टू -2, दैट मीन्स 2 - 2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। सो 2 जो है उसका नेगेटिव इनवर्स क्या होगा, -2। लेट अस टेक रैशनल नंबर, दैट इज 1/3। सो 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/3, और इन दोनों को ऐड करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 0। सो 1/3 प्लस -1/3 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 1/3 प्लस -1/3 इक्वल्स टू 0। सो +1/3 -1/3 दैट मीन्स 0 इक्वल्स टू 0। सो एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि अगर हमारा एक नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, और अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। नाउ कमिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, दैट मीन्स कि हमारे पास कोई रैशनल नंबर है 4/3, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें दैट इज 3/4, सो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 3 1 3 3 1 3, 4 1 4 4 1 4। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।